नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज। दोस्तों, आपने डकैतियां तो बहुत सारी देखी होंगी और कई बार ऐसे मामले भी देखे होंगे जिसके अंदर बैंक में डकैती करने के लिए सुरंग बनाई जाती है। ये तो आमतौर पर आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी खबर बताने वाला हूं, इसे खबर कहें या पूरी कहानी कहें, क्योंकि जो पुलिस थी वो भी इस मामले को जानकर इतनी ज्यादा हैरान रह गई। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि डकैती करने के लिए, किसी एक जगह पर डकैती करने के लिए जो चोर होते हैं वो बकायदा आपस में कोई प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन बता दें कि एक साथ तीन जगह पर डकैती करने के लिए सुरंग बनाई जाती है। जी हाँ, एक साथ तीन जगह, और उसके लिए बकायदा जो चोर हैं वो एक शहर में पहुंचते हैं, और शहर भी कोई और नहीं बल्कि जयपुर। जी हाँ, जयपुर, और घटना है जयपुर के विधानगर थाना क्षेत्र की अंबाबाड़ी के अंदर एक सब्जी मंडी का इलाका, जहां पर उन्होंने पहले एक दुकान को किराए पर लिया, जो कि उन्होंने 11,000 रुपए देकर उसे किराए पर लिया, और जहां पर वो जो पशु होते हैं उनका चारा जो है वो एक तरीके से उनकी फीड बेचने का जो काम है उसे बकायदा दिखाया करते थे। लेकिन बकायदा उन्होंने इतनी प्लानिंग की कि उस एक ऐसी दुकान किराए पर ली जाए जो कि जिसकी बेसमेंट हो, और बकायदा उन्होंने उसके लिए चार जो लोग थे वो यूपी के रहने वाले, जिसके अंदर एक व्यक्ति का नाम जो है वो अमन खां बताया जा रहा है। ये पूरी जो डकैती की यहाँ पर बकायदा प्लानिंग चल रही थी, और बकायदा वो जो सुरंग थी आखिर वो पकड़ में आई कैसे, मैं आपको बता दूं कि लगभग जो चोर है वो 350 फुट गहरी सुरंग खोद चुके थे। जी हाँ, गहरी या लंबी सुरंग खोद चुके थे, जिसे 60 डिग्री के एंगल पर तैयार किया जा रहा था। और बता दें, इसके लिए जो सभी के सभी हैरानी करने वाली बात यह है कि इसके अंदर बकायदा एक ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि एक कंपास ऐप थी, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी चोर थे ये सब, इनमें से एक व्यक्ति जो 10वीं फेल था, और ऐसे में बाकी लोग भी उससे काफी कम पढ़े लिखे थे। लेकिन इस पूरी की पूरी वारदात के अंदर सबसे पहले प्लानिंग क्या की जाती है, तो आपको बता दूं कि इसके अंदर वो ऐसा चाहते थे, पहले उन्होंने बकायदा उस एरिया का सर्वे किया और देखा जहां पर कोई ज्वेलरी शॉप हो और साथ में कम से कम दो बैंक तो जरूर हो। और ऐसे में उन्होंने पास में देखा कि जो इलाके की जानकारी मैंने आपको बताई है, जो इलाके का नाम बताया है, उसी जगह पर उन्हें जो है आखिरकार जाकर समझ में आया कि यहीं पर जो है इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके अंदर SBI बैंक, सेंट्रल बैंक और साथ में पड़ने वाली एक ज्वेलरी शॉप, इन तीनों के लिए उन्होंने खास तौर पर एक सुरंग की जो है शुरुआत की, जो कि करते 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 350 फीट लंबी सुरंग वो खोद चुके थे। लेकिन आखिर ये पकड़ में आई कैसे, तो मैं आपको बता दूं, पास में पड़ने वाली जो दुकानें हैं वहां से एक लोडिंग पिकअप निकलता है और चौराहे पर जाकर एक दिन फंस जाता है, और वहां पर जाकर जो है फिर जब पुलिस आती है, क्योंकि वहां पर लोगों को कुछ शक होता है, और जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है कि वहां पर हर तरह के सुरंग खोदने वाले जो हथियार थे वो वहां पर जो औजार थे वो पड़े हुए थे। और ऐसे में पुलिस को जब इस पर शक होता है तो JCB मशीन बुलाई जाती है, और फिर देखा जाता है कि ये सुरंग तो काफी लंबी है और साथ में पड़ने वाले बैंक की तरफ जो है ये जा रही है। और ऐसे में जो है लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं तो ये जो चारों लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति जो इस बात को जान चुका था कि मौके पर पुलिस आ चुकी है, वहां से वो फरार हो जाता है, लेकिन लोग इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं कि उस व्यक्ति को अभी देखा गया है और वहां से फरार हुआ है, जिसमें 1 से 1.5 किलोमीटर पीछा करने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी ज्यादा हैरान करने वाली थी कि पुलिस भी काफी हैरान हो गई, क्योंकि उनके पास एक बकायदा नक्शा बनाया हुआ था, और उस नक्शे के साथ साथ आपको बता दें कि सबसे पहले जो उन्होंने इस वारदात को अंजाम देना था वो एक SBI बैंक के अंदर से जो है उन्होंने शुरुआत करनी थी। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो इस सुरंग को बनाने के लिए 6 महीने से लगे हुए थे। जी हाँ, वो 6 महीने से लगे पड़े थे, और 6 महीने के दौरान जब उन्होंने इस सुरंग को तैयार करना शुरू किया, तो बकायदा इस तरीके से तैयार करना शुरू किया कि चारों लोग जो थे इसके अंदर मिट्टी अंदर धंसे ना, उसके लिए बांस के डंडों का प्रयोग किया करते थे, लोहे के औजारों का प्रयोग किया करते थे, और साथ साथ दिन में 2 लोग काम करते थे, फिर रात को 2 लोग काम करते थे, और पिछले जो 2 लोग
है वो आराम करते थे, बकायदा बिजली का कनेक्शन दे रखा था और साथ ही साथ ड्रिल मशीन का काम करते थे। और इलाका भी ऐसा चुना, सब्जी मंडी का इलाका, जहां पर दिन में चहल पहल हो और कोई भी घर ना बना हो, क्योंकि रात को भी वहां सुनसान होता था। तो ऐसे में वो कोई भी काम करते थे बेसमेंट में तो किसी को आवाज नहीं आती थी और दिन में तो बिल्कुल भी किसी को आवाज नहीं आती थी। और ये सारी जो इस तरीके की जानकारी जब पुलिस को जुटाई, क्योंकि व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस काफी हैरान हुई। वहां मौके से औजार तो मिले, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक कंपास ऐप का हम इस्तेमाल कर रहे थे और बकायदा उन्होंने काफी दिन तक तो पहले सर्वे किया। और बता दें कि उस दुकान के जो पास में उन्होंने थोड़ी दूरी पर एक घर को भी किराए पर लिया हुआ था, जिसका किराया वो 6,000 रुपये प्रति माह भर रहे थे और चारों जो व्यक्ति थे वो वहीं पर रह रहे थे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पहला जो उन्होंने वारदात को अंजाम देना था वो SBI बैंक में देना था, दूसरा उन्होंने ज्वेलरी शॉप पर जो है एक अलग सुरंग जो है वो बनानी थी। और बता दूं SBI बैंक से अब सिर्फ एक दुकान का फासला ही रह गया था, जो कि सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर वो इस पूरी वारदात को, बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। और ऐसे में काफी बड़ी वारदात का जो है अंजाम दे सकते थे, करोड़ों रुपए जो है बैंकों के अंदर जो है लोगों के होते हैं और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक बड़ी डकैती को अंजाम दे सकते थे, लेकिन वो वक्त से पहले ही पकड़ में आ गए। तो घटना जिस तरीके से मैंने आपको जयपुर की बताई है और यूपी से चलकर वो जयपुर पहुंचते हैं, इतनी बड़ी सोच बनाकर जो है उन्होंने 6 महीने तक जो है ये मेहनत करी, क्योंकि मेहनत हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने सुरंग खोदने में करी है उस हिसाब से तो आप समझ सकते हैं, अगर सच में उन्होंने कोई काम करके, मेहनत करके 4 पैसे कमाए होते तो घर जरूर लेकर जाते। लेकिन किस तरीके से, एक व्यक्ति तो पुलिस के पकड़ में आ चुका है और अभी भी 3 लोग इसमें फरार हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि फिलहाल जो लोग हैं वो मेहनत से पैसा कमाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि कोई भी गलत काम ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।